200 रैलियों पर केक काटने के दौरान तेजस्वी के तंज पर एनडीए नेताओं ने निशाना साधा है और बिहार पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा है कि नौकरी के बदले गरीबों से जमीन लिखवाने का काम पहले तेजस्वी यादव ने किया है। आज केक भी रिश्वत में ही लिए होंगे जिसे वे हेलीकॉप्टर में काट रहे हैं। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि मिर्ची किसे लगी है। इन 5 चरणों के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। इस बार उनके गठबंधन यानी कि कांग्रेस की एक सीट भी हमारे खाते में आ रही है और 4 तारीख को 400 पार होंगे। छपड़ा में घटना घटी है सर, वो दुखद घटना है और इससे में खास करके फैलाना चाह रहे हैं, जो शांतिपूर्ण यहाँ चल रहा था लाइन और इसको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच हो हम इसकी मांग करते हैं और जो बेचारे मरे हैं परिवार के प्रति हम संवेदना। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं भाई, दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन एक सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो एक सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। 4 तारीख को 400 पार। तो भाई अपने में दिखा रहा है ना कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और ये कोई एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया फैसला नहीं है, ये माननीय न्यायालय के द्वारा लिया गया ये फैसला है। ये वो जवाब है इन इंडिया अलायंस के लोगों को जो आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं और जो संविधान के खिलाफ जाकर फैसले लेने का काम करते हैं।